हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसंस और आज इस वीडियो में हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में ब्राउचर में क्या लिखा होता है, पॉलिसी में क्या लिखा होता है, एग्जीक्यूटिव क्या बात करते हैं और एजेंट हमसे क्या बात करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, आपके घर के लिए, गाड़ियों के लिए, यात्रा के दौरान, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को कवर करते हैं, इनको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसा ही एक इंश्योरेंस है जो हमारी लाइफ को, यानी कि फिजिकल, जैसे कि डेथ को कवर कर लेता है। डेथ को ही आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, डेथ कवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई बैंक का ऐसा ही एक प्लान है जिसका नाम है आई प्रोटेक्ट। इस प्लान के बारे में आज समझेंगे हम। तो प्लान की सबसे पहले कंडीशन ये है कि इसमें ऑल टाइम डेथ, किसी भी प्रकार से अनफॉर्चुनेटली हो जाती है तो परिवार को रुपये मिलेंगे और अच्छी खासी मात्रा में रुपये मिलेंगे, और जो कि आपके किसी के भी परिवार को क्या कर सकते हैं, वो गुजारा कर सकते हैं। इसमें सुसाइड को छोड़ के सभी प्रकार की जो मृत्यु है वो शामिल है। सुसाइड भी शामिल है लेकिन वो एक साल के बाद शामिल है। सुसाइड इसलिए शामिल है, पहले सुसाइडल केस शामिल नहीं होते थे क्योंकि जो भी आत्महत्या करता था उनके परिवार को प्लान लेने के बाद में भी मदद नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने इस आत्महत्या को भी गहनता से अध्ययन किया और ये डिसाइड किया कि ये भी एक किसी ना किसी कारण से की जाने वाली एक्टिविटी है या फिर एक घटना होती है, ये भी एक सुसाइड भी एक मर्डर में ही गिनती उसकी होने लगी है। तो इसीलिए इसमें भी कवर मिलता है लेकिन एक साल के बाद मिलता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो लोग फिर वैसे ही करेंगे ना, अगर कुछ किसी को कुछ करना ही है अनफॉर्चुनेटली तो वो पॉलिसी ले लेगा और फिर पॉलिसी तो डूब जाएगी ऐसे में, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि समय दिया है एक साल। वैसे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्लान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली कंडीशन के लिए, मतलब ऐसी स्थिति जो हमने सोची भी नहीं और वो हो गई, उसके लिए हम उसी परिस्थिति से हम सुरक्षा पाने के लिए ये प्लान को खरीदते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे देखिए, इसका आई प्रोटेक्ट प्लान में एक राइडर भी है। राइडर का मतलब ये है कि आपको फैमिली को अलग से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर 1 करोड़ की अपनी पॉलिसी ली है, डेथ कवर लिया है, तो उसके साथ साथ में 1 करोड़ और मिलेगा। लेकिन राइडर में क्या होता है कि शर्तें बहुत होती हैं। अगर कंपनी डेथ कवर भी देगी 1 करोड़ रुपए का, फिर राइडर भी 1 करोड़ रुपए का देगी, तो कंपनी तो थाली बर्तन ही बजाएगी, है ना, कुछ मिलेगा ही नहीं थाली में। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए राइडर लेना और नहीं लेना, राइडर अगर लेंगे तो फायदा बहुत है, डबल फायदा है फैमिली का, लेकिन उसके नियम भी बहुत कड़ा है। अगर कंपनी ऐसे ही बातें करेगी तो वही मैं बताऊंगी कंपनी मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए राइडर अगर लेंगे आप तो सावधानी से राइडर लीजिएगा, क्योंकि नियम बहुत उसके स्ट्रिक्ट होते हैं। और अगर आपने पॉलिसी खरीदते समय किसी चीज को छुपाया है और वो पॉलिसी क्लेम करने के समय अगर वो सामने आए हैं तो खतरा हो सकता है, अपना क्लेम जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए राइडर सावधानी से ले, लेकिन राइडर में इतना है कि फैमिली को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं वो, मतलब किसी ऐसे अनफॉर्चुनेटली जिसे हम बोलते हैं उसके साथ जो भी घटना हुई है उसके परिवार को उसकी कमी महसूस नहीं होने देते फाइनेंशियली। तो ये राइडर होते हैं और राइडर बहुत काम के होते हैं लेकिन नियम कड़क होते हैं। तो चलिए और चीज मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें आपने, मैंने आपको बताया है कि सुसाइड भी कवर होता है और 1 साल के बाद कवर होता है, और इसमें एक चीज बिल्कुल कवर नहीं होती, कवर होती है लेकिन वो 7 साल के बाद, वो चीज है मिसिंग। अगर कोई व्यक्ति मिसिंग है और उसके फैमिली ने अगर क्लेम कर दिया है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिसिंग को डेथ में कन्वर्ट करने के लिए सरकार को 7 साल का इंतजार करना होता है। अगर कोई आदमी फॉर एग्जाम्पल मिसिंग है, अगर उसकी फैमिली चाहती है कि वो मिल नहीं रहा है तो वो शायद उनकी डेथ हो गई होगी, तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो सरकार की तरफ से 7 साल के बाद मिलेगा, 7 साल के बाद मिलेगा। इसलिए मिसिंग केस में क्या होगा कि 7 साल के बाद पॉलिसी का जो क्लेम है वो किया जाएगा। और उसके बाद में जिसमें बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाता है कोई और डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो ऐसे व्यक्ति को मेडिकल हो जाएगा, उसका जो पोस्टमार्टम जिसे हम बोलते हैं पीएम हो जाएगा, और उसके बाद उस पीएम के आधार पर क्लेम होगा जो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर साफ लिखा होगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव,
गाड़ी शराब पीते हुए ऐसी कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसे कंडीशन में भी क्लेम नहीं मिलेगा। जानबूझकर आप किसी ऐसी घटना में, ऐसे इंसिडेंस में शामिल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी देश में सिविल वार चल रहा है तो दंगे ज़्यादा होंगे, तो दंगे में आप जानबूझकर घुस गए हैं, आपको पता है कि यहाँ पर मृत्यु हो सकती है, वहाँ पर घुस गए हैं जानबूझकर। अगर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि आप जानबूझकर उस चीज़ को करने गए जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो पॉलिसी के, कंपनी के नियम के खिलाफ थी, और क्लेम वहाँ पर भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ब्राउचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंपनी से पूछना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं ब्राउचर को समझना बहुत ज़रूरी है। राइडर एग्जैक्टली होता क्या है, वेवर एग्जैक्टली होता क्या है, टर्म्स कंडीशन क्या होते हैं, नो हिडन्स क्या होते हैं, है ना, हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना ज़रूरी है, तभी जाके अगर कोई पॉलिसी खरीदता है तो उसका बिना रुके क्लेम पास हो जाएगा, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और इस तरह का जो प्लान होते हैं सिर्फ कंपनी ही नहीं बेचती है, थर्ड पार्टी भी बेचती है। थर्ड पार्टी क्या होती है कि जैसे मेरा दुकान है, मैं किसी तीसरे आदमी को सामान बेच रहा हूँ, लेकिन उसको मेरे दुकान तक आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, वो चाहता है कि शॉर्टकट में ही सामान मेरा ही यूज़ करे, लेकिन कहीं दूसरी जगह से यूज़ करे, उसके नज़दीक वाली किसी जगह से, तो ऐसी जगह को बोलते हैं हम थर्ड पार्टी। policybazaar.com, policydekho.com, इस तरह की जो थर्ड पार्टी है इनके थ्रू भी हम ले सकते हैं। थर्ड पार्टी से लेने में फ़ायदा ये है कि क्लेम के समय थर्ड पार्टी हमारे साथ रहती है, यानी कि policybazaar के एग्जीक्यूटिव हमारे साथ रहेंगे, वो हमें क्लेम कैसे करना है वो बताएंगे, हमारा क्लेम रिजेक्ट होगा या पास होगा इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो थर्ड पार्टी से लेना अच्छा है, लेकिन क्या प्रीमियम थोड़ा सा महंगा जाता है, तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीमियम हम लोग टीवी पर देखते हैं कि 499, 599 पर मंथ भरो, 1 करोड़ लाइफ कवर, है ना, तो ये क्यों, और इस प्लान में 37,000-40,000 का प्रीमियम क्यों साल, और उनमें से 4,000-6,000-7,000 क्यों इतना अंतर। तो देखिए ज़्यादातर कंपनियाँ तकरीबन 50 साल की उम्र तक आपको लाइफ कवर देती हैं, अगर 51 साल में आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं लाइफ कवर तो कंपनी नहीं देगी, क्योंकि 50 साल के बाद लाइफ का जो खतरा है वो बढ़ता जाता है और आदमी कभी भी मृत्यु हो सकता है, ये कंपनी का कहना है और नेचुरली ऐसा हो भी रहा है। तो कंपनी इसलिए अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसलिए कंपनी जो भी प्लान बेचना है वो पहले ही बेचना चाहती है। ऐसे में क्या होगा, जो छोटे प्रीमियम वाले प्लान होते हैं वो जल्दी समय में कम समय में टर्मिनेट होते हैं, यानी कि 400 रुपये वाला आपने प्लान लिया है पर मंथ का, तो वो आपको प्लान मिलेगा, ये आई प्रोटेक्ट भी आपको मिलेगा 400 रुपये में, 500 रुपये में, इस तरह से कम, बहुत कम, 1,000 से भी कम प्रीमियम में मिलेगा मंथली। और उसके बाद वो क्या होगा कि आपका 10 साल के लिए होगा, कोई 15 साल के लिए होगा, यानी कि अगर आप 40 साल के हैं और आपने प्लान लिया है 400-500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और जब आप 50 साल के हो जाएंगे तो 10 साल में तो इसका जो टाइम खत्म हो जाएगा, ये प्लान टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद जब आप 50 साल के हो जाएंगे वहाँ पर आप प्लान खरीदना चाहोगे तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, कंपनी रिस्क में जाएगी ना, आपको प्लान मिलेगा नहीं, आपने एक तो आपसे कम पैसा लिया, फिर वहाँ पर भी आपको पॉलिसी दी, तो कंपनी ज़बरदस्ती अपना 1 करोड़ रुपये थोड़ी बांटेगी, है ना, तो ये चीज़ है, इसलिए ये प्लान सस्ते होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी टर्मिनेट होते हैं। अब जो लंबे समय के जो महंगे प्रीमियम वाले प्लान होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई कंपनी 70 साल तक लाइफ की कवर करेगा, करती है, कोई कंपनी 80 तक करती है, कोई 85 तक करती है, तो कंपनियां अलग अलग एज को प्रोटेक्ट करती हैं, तो उस हिसाब से कंपनी प्रीमियम लेती है। अगर आप 40 साल की उम्र में रहते हो, इस तरह से लंबे प्लान लेते हैं, तो वो आपके 50 साल छोटे प्रीमियम वाले प्लान 50 में टर्मिनेट हो गया, अब ज़्यादा बड़े प्रीमियम वाला प्लान 60 पे भी गया, 70 पे भी गया, 80 में भी गया, तो वो ज़्यादा लाइफ कवर कर रहा है ना, इसलिए ज़्यादा पैसे मिले, तो उसमें फायदा ये है कि आपका 50 साल के बाद भी प्लान चलता रहेगा, कोई कंपनी 60 साल में टर्मिनेट करते तो मतलब अलग अलग उम्र में। लेकिन ये तो बात है कि ज़्यादातर कंपनियाँ 50 साल के ऊपर प्लान बेचना बंद कर देती हैं, डेथ कवर वाले, लाइफ कवर वाले, ठीक है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाती है, इसीलिए ये प्लान 50 साल से कम उम्र पे अगर हम लेते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए तो वो जल्दी ख़त्म होते हैं और वो उसके बाद आप खरीद नहीं सकते, इसीलिए वो सस्ते हैं। और 50 साल से कम उम्र वाले प्लान अगर आपने फिर भी 40 साल की उम्र में ले लिया है तो इसीलिए महंगे होते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ को 50, 55, 60 साल से भी ऊपर की उम्र तक कवर करते हैं, समझ में आ गया।
50 साल में दो प्लान आपको, 50 साल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मोड है, ठीक है, उसका प्लान का। सस्ता प्लान वहां टर्मिनेट हो जाएगा, महंगा प्लान उसके भी आगे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सस्ता प्लान अगर वहां टर्मिनेट होगा तो आप दोबारा से खरीद नहीं सकते, इसीलिए पहले आप खरीद रहे हैं, और इसीलिए वो महंगा है क्योंकि वो फिर आगे जाके आपको लंबी सुरक्षा भी दे रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। कंपनी का कहना है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन फिर भी हिडन चार्जेस नहीं है, हिडन रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ब्राउचर पढ़ना जरूरी। मैं आपको ब्राउचर पढ़ाने वाला था, मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगा भी दिया है, लेकिन अभी क्या है कि इसी वीडियो में बहुत समय लगेगा। आप ब्राउचर को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ब्राउचर क्या है, ब्राउचर इंग्लिश में है। जिन लोगों को ज़्यादातर ऐसे पॉलिसी करते हैं जिनको इंग्लिश कम आती है, मुझे भी इंग्लिश कम आती है, मैं भी गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है और ब्राउचर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक प्लान खरीदने के लिए, क्योंकि लाइफ का सवाल है, एक प्लान खरीदने के लिए हम कितना भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम मालिक है, खरीदने वाले हम ग्राहक है, हम चाहे खरीदे ना खरीदे, है ना। कंपनी के जो भी लोग हैं वो बेचने के लिए खाली दुकानदारी हैं, कोई भी अपना माल बेचना चाहेगा। दुनिया भर की कंपनियां हैं, भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, क्योंकि भारत में IRDAI को हर कंपनी से 10-15% रेवेन्यू जाता है और इनकम जाता है। तो IRDAI को, भारत सरकार को बहुत फ़ायदा है, इसलिए भारत सरकार ने कंपनी का भी भला कर दिया है और आम जनता का भी भला कर दिया है। ऐसे ऐसे प्लान लाए हैं जो कि दोनों का भला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जब प्लान टर्मिनेट होगा तो उस वक्त एक पार्टी डगमगा जाएगी, यानी कि अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया तो कस्टमर को घाटा, क्लेम पास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है, इसलिए टर्म्स ऑफ कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। तो समझ लीजिएगा, ICICI का मैंने आपको प्लान बताया, आई प्रोटेक्ट आपको कहीं पर भी इसका ब्राउचर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे वेबसाइट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपको ब्राउचर वहाँ पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, उसे हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लीजिएगा। इसी तरह का कोई और एक प्लान मैं लाऊंगा बाद में और बताऊंगा आपको कि उस प्लान में है क्या। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।